कोचिंग सिटी कोटा में एक बार फिर से दुखद खबर। आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्र ने खुदकुशी कर दी है। हॉस्टल के कमरे में फंदा लगा लिया है। आईआईटी में कम परसेंटाइल आने के बाद खुदकुशी की है। झारखंड का रहने वाला था मृतक शुभ चौधरी। जवाहरनगर पुलिस जांच में जुट गई है और छात्र शुभ चौधरी के कमरे की तलाशी ली जा रही है। वहीं शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। लेकिन फर्स्ट इंडिया बार बार सवाल पूछता है कि कोचिंग सिटी क्यों सुसाइड सिटी बन रही है, क्यों बच्चों को बचाया नहीं जा रहा, आखिर कब तक यूं ही स्टूडेंट्स जान देते रहेंगे, कभी तो होगा जब ब्रेक लगेगा, स्टूडेंट की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है। गुल मोहम्मद मेरे सहयोगी जुड़ गए। गुल मोहम्मद, किस तरीके से सुसाइड की बच्चे ने और ये काउंसलिंग वाउंसलिंग लगता है कि कुछ कसा काम कर नहीं रही है? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस बार भी जो है साल की शुरुआत हुई है तो दूसरा ही महीना है और दूसरे महीने में 4 सुसाइड जो है अब तक कोटा में हो चुके हैं, तो ये बड़ा गंभीर सवाल है क्योंकि पिछली बार भी जो है गत साल की बात करें तो 27-28 सुसाइड के केस जो है कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सामने आए थे और एक बार फिर से जो है जो ये सुसाइड का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। आज एक बार फिर से दुखद खबर सामने आई है। जवाहरनगर थाना इलाके में, महावीर नगर इलाके में जो स्टूडेंट है वो रह रहा था और आईआईटी की जो है यहाँ पर तैयारी कर रहा था और जब उसके परसेंटाइल में जो है कम नंबर आए तो वो दुखी था और उसी से चिंतित होकर उसने जो है मौत को गले लगा लिया है। अभी फिलहाल जो है उसने सुसाइड क्यों किया है उसकी असल वजह सामने नहीं आई है। पुलिस इसका पता लगा रही है, पुलिस के जो रूम है उसकी तलाशी ले रही है। गुल मोहम्मद, सुसाइड कैसे की है उसने? जी बिल्कुल, ये जो स्टूडेंट है उसने फांसी के फंदे पर लटक कर जो है अपनी जान दी है। शव को जो है उतरवा कर मोर्चरी शिफ्ट करवा दिया गया है और जो परिजन है उनको भी जो है पुलिस ने सूचित कर दिया है। क्या पंखे से लटक कर सुसाइड किया? जी बिल्कुल, पंखे से ही जो है उसने अपना फांसी का फंदा लगाया और उसके बाद में जो है। अच्छा, ये और बताइए, जो इस साल 4 सुसाइड हुई है पंखे से लटक कर मरने वाले कितने? जो चारों ही जो सुसाइड के केस सामने आए हैं वो चारों ही पंखे से लटकने वाले हैं। ये सवाल गुल मोहम्मद मैंने इसलिए किया क्योंकि जब बार बार वहां सुसाइड हो रही हैं तो एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती कमरों के अंदर की जहां एसी हो, कूलर हो, पंखा लगाया ही ना जाए, क्योंकि जब मैंने स्टडी की मैक्सिमम लोगों ने पंखे से लटक कर सुसाइड की है। हालांकि एक ऐसा पंखा बनाने की भी बात की जा रही है कि अगर आप उससे लटकेंगे तो उसका पूरा वायर नीचे की तरफ आएगा और फांसी लग नहीं पाएगी। लेकिन कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड की है। कोटा के महावीर नगर इलाके में कोचिंग कर रहे छात्र ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अस्पताल भिजवाया है। मृतक छात्र सुकुमार चौधरी छत्तीसगढ़ का निवासी था जो कोटा में कृष्ण रेजिडेंसी में रहकर आईआईटी की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने छात्र के परिजनों को सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस छात्र के कमरे से सबूत जुटा रही है। गुल, एक और मामला। जी बिल्कुल, देखिए जो ये प्रशासन जो है यहाँ का और उनने जो है यहाँ के जो हॉस्टल संचालक है उनसे जो है कई बार वार्ता की है और एंटी हैंगिंग जो डिवाइस है जो लगाने की बात की गई थी पंखों में, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर लटकता है पंखे पर तो पंखा जो है धड़ाम से नीचे गिर जाए और उसका जो क्षणिक भर का जो क्षण होता है सुसाइड वाला वो उसका जो है फेल हो जाए और कोई ना कोई जो है उसे बचा ले और वो जो है सुसाइड करने से बच जाए। तो इस तरह की जो है कोशिशें की थी, कुछ हॉस्टल जो है जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था नहीं की थी तो उनको जो है नोटिस भी जारी किए गए थे और एक हॉस्टल को तो पिछले दिनों सीज भी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड पे जाकर जो है इस पे काम करने की जरूरत है और जो बच्चों के प्रति जो जितनी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए वो काम करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। जी विजय। गुल मोहम्मद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत दुख होता है इस तरीके की खबरों को पढ़ते वक्त, क्योंकि आप जरा सोचिए, किसी के घर का चिराग है, घर से दूर भविष्य बनाने के लिए आया और अंधकार में हमेशा के लिए खो जाता है और किसी को एहसास तक नहीं होता।